कल्प नाम से एक शब्द है, उसका नाम है कल्प। तथागत ये कल्प के बारे में बताए, कल्प मतलब समय है, लेकिन वह समय लिमिट नहीं है, गिन नहीं सकता है, उतना ही लंबे समय को कल्प कहता है। ऐसा है तो ये कल्प नंबर से लिख करके बता नहीं सकता है। तो उसके लिए तथागत एक उदाहरण दिया है, 7 किलोमीटर लंबा, 7 किलोमीटर ऊंचा, 7 किलोमीटर का चौड़ाई एक पत्थर है, काला पत्थर। एक आदमी ये पत्थर के ऊपर चढ़कर एक बार रुमाल से पत्थर को पोंछ दिया। फिर 100 साल जाने के बाद और एक बार इस पत्थर को पोंछ दिया, और 100 साल जाने के बाद और एक बार पोंछ दिया, 1000 साल जाने के बाद 10 बार पोंछ दिया, 1000 साल में 10 बार। तो तथागत भगवान बुद्ध ने पूछा, कितना समय लगेगा सिर्फ पोंछने के कारण, रुमाल से पोंछने के कारण वो पत्थर पिघल के जमीन तक खत्म होने के लिए? भंते लोग बताया तथागत सोच भी नहीं सकता है, करोड़ों साल जाने के बाद 2-3 इंच खत्म हो जाएगा, लेकिन 7 किलोमीटर लंबा पत्थर कैसे खत्म हो सकता है? भगवान बुद्ध ने बताया वैसे ही है, उससे भी ज्यादा समय लगता है एक कल्प खत्म होने के लिए। जितना समय वो पत्थर को पोंछ-पोंछ कर जमीन तक खत्म करने के लिए लगेगा, उससे भी ज्यादा समय लगता है एक कल्प खत्म होने के लिए। तो हम लोग एक कल्प में अरबों अरब बार जन्म ले चुके हैं, मर जा चुके हैं। हमेशा एक कल्प के अंदर अगर एक आदमी का हड्डी जमा करेगा तो, हिमालय पर्वत से ज्यादा बड़ा हड्डी जमा हो जाएगा। इतना ही एक कल्प के अंदर हम लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। तो 100 कल्प के पहले एक भगवान बुद्ध की जन्म हुआ, अभी से लेकर के 100 कल्प के पहले, उससे भी पहले भगवान बुद्ध थे, लेकिन 100 कल्प के पहले विपस्सी नाम का भगवान बुद्ध की जन्म हुआ था। विपस्सी भगवान बुद्ध के समय में लोगों का उम्र 80,000 साल था, उस समय बचपन 500 साल तक बच्चा, 500,000 साल में शादी हो जाता है, फिर 80,000 साल तक जीवन बिता सकता है, बीमार नहीं है। उस समय का लोगों का बीमार क्या है? उस समय का लोगों का बीमार भूख लगता है, टिकाना लगता है, और बच्चा पैदा करना है, यही सिर्फ परेशान है, दर्द है। बाकी कोई सर्दी बुखार पेट दर्द कमर दर्द कुछ भी बीमार नहीं है मरने दम तक। लेकिन उस समय का लोग कभी भी एक दूसरे से जलन नहीं किया था, उस समय के लोग कभी भी दूसरों से क्रोध नहीं किए थे, दूसरों कभी भी झूठ नहीं बोले हैं, हत्या नहीं किए थे, चोरी नहीं किए, व्यभिचार नहीं किए, हमेशा सत्य बोले हैं, नशा नहीं किए, हमेशा प्यार से ही बातचीत किए थे, चुगली नहीं किए, क्रोध गुस्सा नहीं किए। उन लोग का मन में क्रोध गुस्सा आता ही नहीं, इतना ही मन वे लोगों का पवित्र है। इसलिए उन लोगों का उम्र भी 80,000 साल हो गया था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, मन में गंदगी उत्पन्न होने लगा, यानी कि कोई कोई क्रोध करने लगा, गुस्सा करने लगा। तो उन
लोगों का उम्र 70,000 साल तक कम हो गया, एक दो दिन में नहीं, हजारों लाखों साल जाने के बाद, 70,000 लाखों लाख साल जाने के बाद 70,000 तक कम गया। उस समय भी एक भगवान बुद्ध की जन्म हुआ, उनका नाम है सिक्की। सिक्की भगवान बुद्ध के समय में धरती के लोगों का उम्र 70,000, उस समय में भी 500,000 सालों में वे लोगों का शादी हो जाता है। इसके बाद विपस्सी सिक्की भगवान बुद्ध के समय में भी लोग ज्ञान सुन करके शांत की रास्ता पे गए थे, क्योंकि उस समय के लोग भी पापी नहीं थे। थोड़ा पाप हो गया लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा मोटा गुस्सा आता है बस। फिर उस समय का लोग और कमजोर हो गया, उन लोग का मन में थोड़ा सा लालची भी आने लगा, ज्यादा नहीं थोड़ा। इसके बाद उन लोग का उम्र और कम गया, लाखों साल जाने के बाद 60,000 साल हो गया। उस समय में भी एक भगवान बुद्ध की जन्म हुआ, उनका नाम है विश्वम्भु। विश्वम्भु भगवान बुद्ध के समय में लोगों का उम्र कितना था? 60,000। उस समय के लोग भी बहुत बुद्धिमान थे, एक दूसरे से जलन नफरत नहीं किए थे, क्रोध गुस्सा नहीं किए थे, लेकिन उन लोग का मन थोड़ा पतन हो गया। पतन होने के कारण उन लोगों का उम्र और कम गया, लाखों साल जाने के बाद उन लोगों का उम्र 40,000 साल तक कम गया। 40,000 साल होने के बाद उस समय में एक भगवान बुद्ध की जन्म हुआ, ककुसंद भगवान बुद्ध। ककुसंद भगवान बुद्ध धरती पे जन्म ले करके इस बोध ज्ञान ज्ञान प्राप्त करके सारे देव मानव को शांति की रास्ता बताया। तो ककुसंद भगवान बुद्ध जन्म लेके ज्ञान की रास्ता बताकर उनका परिनिर्वाण मृत्यु होने के बाद लोग धर्म की रास्ता पे गए तो उन लोग दुख से मुक्त हो गया, बाकी लोग का मन और पतन हो गया और लोग गुस्सा करने लगे, लेकिन हत्या नहीं किया, चोरी नहीं किया, व्यभिचार नहीं किए, सत्य ही बोले हैं और नशा नहीं किए, गाली नहीं दिए। थोड़ा थोड़ा मन पतन होने लगा। मन पतन होने के कारण, मन गंदा होने के कारण और लोगों का उम्र लाखों साल जाने के साथ साथ 10,000 तक कम गया। इसका मतलब लोगों का उम्र 30,000 साल तक घट गया। उस समय भी एक भगवान बुद्ध की जन्म हुआ, उनका नाम है कोणागमन। कोणागमन तथागत भगवान बुद्ध भी इस बोध गया में ही ज्ञान प्राप्त किए थे हम लोग के सामने। उनका जन्म होने के बाद भी सारी देवता तथा मानव का कल्याण हो गया। धरती के रहने वाले बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा लोग, सेठ लोग, बड़े बड़े खानदान के बुद्धिमान लोग, सारे बड़े बड़े लोग तथागत भगवान बुद्ध की, ककुसंद भगवान बुद्ध की रास्ता पर जाकर के शांति को प्राप्त किया। छोटे छोटे लोग सब मिथ्या विश्वास की रास्ता पर जाकर के और मन पतन हो गया। इस समय और लोगों का मन पतन होने के कारण लोग धीरे धीरे हत्या, झूठ बोलना शुरू किया, मजाक से झूठ बोलना शुरू किया, फिर लोग हत्या करना शुरू किया, फिर लोग चोरी करना शुरू किया, दूसरा बीवी के साथ, दूसरा लड़कियां के साथ गलत काम करना शुरू किया। तो उस समय के लोगों को उम्र और कम गया 10,000 से, तो 20,000 साल हो गया लोगों का उम्र। 20,000 उम्र होने के बाद उस समय भी लोगों का
उम्र 20,000 होने के साथ साथ उस समय में भी धरती पे एक भगवान बुद्ध की जन्म हुआ। उन भगवान बुद्ध के नाम है काश्यप भगवान बुद्ध। काश्यप भगवान बुद्ध के समय में लोगों का उम्र 20,000 साल था। काश्यप भगवान बुद्ध भी इस बोध गया में ही ज्ञान प्राप्त किए थे। इसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे, यहाँ पीपल पेड़ नहीं था उस समय बरगद के पेड़ था, बरगद के पेड़ के नीचे उनका ज्ञान प्राप्त हो गया। अलग अलग भगवान बुद्ध अलग अलग पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो काश्यप भगवान बुद्ध भी जन्म लेकर के ज्ञान प्राप्त करके सारे देवता तथा मानव को ये सुख शांति की रास्ता बताया। उनका समय में भी बड़े बड़े लोग सिर्फ इस रास्ता पे गए थे, मन पवित्र करके, अपना शरीर पवित्र करके, वाणी पवित्र करके, शरीर मन तथा वाणी से बिना पाप करके, मैत्री मन से लोभ क्रोध मोह ईर्ष्या नफरत इत्यादि गंदगी को मिटा के ज्ञान की रास्ता पे गए। उस समय के रहने वाले बड़े लोग यानी कि राजा महाराजा लोग, अमीर लोग, सेठ लोग, बड़े बड़े खानदान के परिवार के लोग उनकी रास्ता अपनाया। उसके बीच में छोटे छोटे लोग, बुद्धिमान लोग भी छोटे छोटे घर पे भी जन्म लेते हैं, वो लोग भी उसी रास्ते पे गए थे। लेकिन वो रास्ता को इनकार जो किया है, उन लोग का मन और पतन हो गया। उन लोग का मन पतन होने के कारण लोगों का उम्र और घट गया, और बहुत घट गया। इसके बाद लोग बहुत पाप करने लगा, हत्या करने लगा, चोरी करने लगा, झूठ बोलने लगा, व्यभिचार करने लगा, नशा करने लगा, चुगली करने लगा, गाली देने लगा, बहुत बहुत पाप करने लगा, लोभ करने लगा, गुस्सा क्रोध करने लगा। तो धीरे धीरे देवताओं मानव से दूर होने लगा, ज्यादा नहीं फिर भी थोड़ा सा पहले से ज्यादा दूर होने लगा। पहले भगवान बुद्ध के समय यानी कि 80,000 70,000 60,000 जैसे समय में देवताओं हमेशा हर पल मानव के साथ जीवन बिताए थे, मानव के साथ जीवन व्यतीत करते थे। इसके बाद इसी प्रकार मानव का मन पतन होने के कारण, पाप फैलने के कारण आदमी का उम्र 120 साल तक घट गया। तो उस समय लोगों का उम्र 100 साल 120 साल तक था। उस समय भी एक तथागत की जन्म हुआ, उनका नाम है गौतम भगवान बुद्ध। उन्होंने हम लोगों के सामने पीपल बोध वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किए थे। तथागत गौतम भगवान बुद्ध के समय में लोगों का उम्र 100 साल था या तो फिर ज्यादा से ज्यादा 120 साल के थे। उस समय ज्यादा लोग अच्छे नहीं थे, फिर भी बुद्धिमान लोग संसार में थे। वे बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा, बड़े खानदान के, बड़े परिवार के और कोई कोई छोटे परिवार के भी, उनकी रास्ता को अपनाकर शांति की ओर चले गए थे। तथागत गौतम भगवान बुद्ध की शासन अभी तक खत्म नहीं, लेकिन देखिए मानव खत्म हो गया, मानवता खत्म हो गया। अभी लोगों को पहले से ज्यादा मन पतन हो गया। हमारे गौतम भगवान बुद्ध के समय में लोगों का दिल में विमुक्ति के बारे में विश्वास था। जो सील सुरक्षा करते थे, ध्यानी हैं, विमुक्ति की रास्ता पे जाते हैं, जो ब्रह्मचारी पालन करके विमुक्ति की रास्ता पे जाने के लिए कोशिश करते हैं, वो लोगों को इज्जत सत्कार सम्मान किए थे। लेकिन वर्तमान सारे लोग बहुत पतन हो गया। अभी लोग इज्जत करता है फेमस लोगों को, हीरो हीरोइन को, अमीर लोगों को अभी के लोग इज्जत करते हैं। सबसे बड़ा गुंडा है तो उनको भी इज्जत सत्कार सम्मान मिल जाता है। कोई खूबसूरत शरीर दिखा दिखा के रहने वाले कोई है तो औरत या पुरुष, उनको इज्जत सत्कार सम्मान मिल जाता है। लेकिन संत को वर्तमान के लोग गाली देते हैं, कोई सत्कार सम्मान नहीं करते हैं। जो शीलवान है, जो पुण्यवान है,
ध्यान ही ब्रह्मचारी पालन करके विमुक्ति के रास्ते पर जाते हैं, उन लोगों को लोग गाली देते हैं। विमुक्ति को गाली देता है, शादी के बारे में बात चर्चा चलाता है, शादी कैसे करेंगे, शादी मेरा बेटा बच्चों का शादी कैसे करवाएंगे, देखो उसी घर का शादी ऐसे ऐसे हो गया, धूमधाम से हो गया, बारात ऐसे हो गया, दहेज जितना दिया, उसी घर का बच्चा बहुत पढ़ाई लिखाई हो गया, PhD किया, ऑफिसर बन गया, इसी प्रकार बातें चला रहा है वर्तमान में। लेकिन भगवान बुद्ध के समय में ये सब के लिए छोटा सा जगह दिया था, ज्यादा नहीं, विमुक्ति के लिए ज्यादा जगह दिए थे। वर्तमान में विमुक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। ध्यान साधना के लिए, मन पवित्र करने के लिए कोई जगह नहीं है। वर्तमान में संत लोगों को लुक के रहना पड़ेगा, बाहर आ गया तो लोग डांटता है, कोई इज्जत नहीं करता है। एग्जाम्पल बोध गया में देखिए, अगर कोई भिक्षु लोग है तो, कोई संत लोग है तो कोई इज्जत नहीं करता है, सोचता है तो पैसा कमाता होगा या तो फिर ये तो दूसरा कुछ करता होगा। गलत समझता है हमेशा, ना ही कोई इज्जत करता है, ना ही सत्कार सम्मान करता है, क्योंकि लोगों का मन पतन हो गया। तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, आदमी का मन पतन होने के कारण, यानी कि मन में लोभ क्रोध अहंकार घमंड नफरत इत्यादि गंदगी बढ़ गया तो पर्यावरण बदल जाता है, समय पर बारिश नहीं होती है, अच्छे से फसल उपजाऊ नहीं होता है। अब देखिए ये वर्षा का समय है, सही ढंग से पानी नहीं होता है, अगर पानी होने लगेगा तो आदमी को मार के जान ले के बारिश का वर्षा हो जाता है। क्यों? मानव पतन हो गया, ठंडा आ गया तो उसी ठंड से लोग मर जाता है, उसी प्रकार ठंड गिर जाता है, गर्मी आ गया तो गर्मी से लोग मर जाते हैं, उसी प्रकार गर्मी आ जाता है, थोड़ा सा भी खाने में जहर मिला मिल गया तो लोग मर जाता है, बीमारी बढ़ जाता है, आदमी कमजोर होता है। पहले के लोग, पहले के मतलब बहुत पहले नहीं, हमारे भगवान बुद्ध के समय यानी कि 2000 साल पहले, लाखों साल पहले नहीं, उस समय के लोगों को 4-5 दिन तक भूख से रह सकता था। वर्तमान के लोग सुबह खाना खा के दूसरे दिन सुबह तक रह गया तो शरीर कांपने लगता है, एक दिन खाना छोड़ दिया तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? धरती का पोषण खत्म हो गया है। धरती का पोषण रस खत्म होने का कारण क्या है? कारण है मानव का मन पतन होना। मानव का मन पतन हो जाएगा तो, मानव का मन में गंदगी भर जाना शुरू हो गया तो धरती का रस नष्ट हो जाना शुरू हो जाता है। अभी नष्ट हो गया। आप लोगों को याद होगा, पहले सब्जी कुछ बना दिया तो चावल बनाते समय घर में धमकता था, लगभग अभी 50-100 साल पहले हम लोग सुने थे, कोई भी फल काटेंगे तो आम अमरुद वगैरह फल काटेंगे तो पूरा घर धमकता था उसी आम से। लेकिन अभी पेड़ से तोड़ के काट दिया तब भी कोई धमक नहीं है। पहले गाय का दूध, भैंस का दूध बहुत धमकता था, गाय का एक दूध ग्लास पिएगा तो बहुत शक्ति मिलता था, लेकिन अभी गाय का भैंस का दूध भी धमकता है। गाय भैंस का दूध पीने से भी कोई उतना फायदा नहीं है, सुबह शाम गाय का दूध पी के रहने लगेगा तो शरीर कमजोर हो जाता है, खाना बहुत जरूरत पड़ता है। उतना ही इसका मतलब क्या है, भगवान बुद्ध चक्रवर्ती सिंहनाद नाम का एक सूत्र उपदेश है, उसने बता दिया, मानव पाप से बढ़ गया तो, मानव का मन में गंदगी भर गया तो पूरे संसार पतन हो जाता है, देवताओं दूर हो जाता है। आप लोग देखिए वर्तमान में बिहार में देवताओं की कितना पूजा पाठ चला रहा है, कितना प्रकार का मंदिर है, कितना प्रकार की स्थान है, लेकिन कोई भी देवताओं के साथ बात नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? तो उतना ही मानव का मन गंदा है,
मंदिरों में जाके पूजा पाठ करता है लेकिन गुस्सा करता है। सहनशीलता मानव के मन में नहीं है, ईमानदारी नहीं है, सत्य सच नहीं है, झूठी है। बहुत सारे लोग दुनिया के सामने दूसरों को अच्छा दिखाता है, दिलों में गंदगी भरा के रहता है, जलन करते करते, क्रोध गुस्सा करते करते, नफरत करते करते, दूसरों का संपत्ति पे लोभ करते करते रहते हैं। स्वार्थी मन से लोग रहता है, बाकी लोग मर गया तब भी मदद नहीं करता है। वर्तमान के लोगों का संकल्प है दुनिया खत्म हो गया तब भी चलेगा, अगर हम जीना मेरा जीवन बच गया तो, मेरा पेट भर गया तो चलेगा, बाकी लोग मर गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना ही लोग स्वार्थी हो गया, इतना ही लोग पतन हो गया, उतना ही लोगों का मन खराब हो गया। वर्तमान समाज में मानवता नहीं है, वर्तमान समाज में सिर्फ दिखाई देता दान होता। जानवरों के पास कैसे आचरण है वो आचरण वर्तमान मानव के पास है, जानवर से भी ज्यादा पतन हो गया। अगर कोई कुत्ता को, बिल्ली को, गाय को गुस्सा क्रोध आ गया तुरंत दिखाता है, राग उत्पन्न हो गया तुरंत दिखाता है, कुछ भी हो गया तुरंत दिखाता है, लेकिन मानव, मानव मतलब जो गंदगी मन वाले लोग, मनुष्य लोग, उनका मन में गंदगी उत्पन्न हो गया तो दिखाता नहीं, छुपा के रखता है। जलन हो गया दूसरों से नफरत करता है लेकिन अच्छे से हंस हंस के मुस्कुराते बात करता है, अंदर से जलन करता है। इसका मतलब जानवरों से भी ज्यादा पतन हो गया। जानवरों का शरीर में कोई कोई जगह पे जहर है, बिच्छा का शरीर का जहर पूंछ में है, सांप इत्यादियों का जहर दांतों में है, बिल्ली का जहर नाखून में है। उसी प्रकार जानवरों का जहर एक जगह पे कहीं होगा लेकिन पापी दुष्ट मानव का जहर पूरा शरीर में भरा हुआ है। एक दुष्ट मानव के चलते हजारों हजार लोगों का परेशान हो जाता है, बहुत सारे लोगों का घाटा हो जाता है एक दुष्ट मानव के चलते। तो याद रखिए, बहुत सारे लोगों का मन पतन हो गया तो समाज को क्या हाल हो जाएगा। इसलिए जगह जगह मंदिर बन रहा है, क्यों? इसलिए लोग पूजा प्लेट फूल लेकर के मंदिरों में जाता है, क्यों? लोग डर जाता है ताकि मुझे कोई काला जादू करेगा, मुझे मुझसे कोई बदलाव लेगा, या तो फिर हम तो पाप किए थे वो सब छोड़ दो, भगवान से हम कुछ भगवान को गुस्सा दे करके हम थोड़ा सामान पाप को हटा देंगे। उसी प्रकार सोच के आके मंदिर में बोलता है, भगवान हम आपको इस मंदिर से, मंदिर को सोने का रंग से रंग देंगे, भगवान जी हम इस मंदिरों में आपका मूर्ति सोना से बना देंगे। छोटे छोटे लोग सोचते हैं, भगवान जी हमको ये काम कर दीजिए, हम आपको एक बकरी चढ़ा देंगे, पांच को मुर्गा चढ़ा देंगे। उसी प्रकार मानव का मन पतन हो गया, भीख मांगने लगा मंदिर मंदिरों में जाकर के। लोग क्यों भीख मांगता है? उतना ही लोगों का मन पतन हो गया। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, पहले देवताओं मानव के पास आकर के मदद कर रहे थे, देवताओं हर पल मानव को रास्ता दिखाए थे। वर्तमान ऐसा नहीं है, ऐसा खतरा समय में हमारी जन्म हुआ है, गलत समय में हमारा जन्म हुआ। बाहर जाने के बाद हमें पता नहीं मेरा दोस्त लोग मुझे क्या करेगा। वर्तमान में भारत का हालत देखिए, लड़की को अकेली कहीं रात में जा नहीं पाता है। किसी घर पे लड़की का जन्म हुआ तो मम्मी पापा लड़की का शादी होने तक, उसके बाद भी परेशान हो जाता है। उतना खतरा हो गया समाज, उतना ही पतन हो गया। अगर किसी के पास मालूम हो गया तो उसके पास पैसा है या सोना है,
उनका जीवन में खतरा है। इसलिए वर्तमान में अमीर पैसे वाले लोगों को भी संभाल के रहना पड़ता है। उतना ही समाज पतन हो गया। इतना पतन होने के कारण समय पर बारिश नहीं होती है। अगर बारिश होने लग गया तो पूरा बाढ़ निकाल देता है। बाढ़ आके लोग मर जाता है। उतना ही समाज पतन हो गया। हवा आता है, तूफान, पेड़ पौधा गिर जाता है, घर गिर जाता है। जाके आप देखिए, आप लोग का मम्मी पापा दादा दादी लोगों से पूछिए, दादी आप लोग बचपन में डॉक्टर कितना डॉक्टर लोग थे, डॉक्टर के पास कितना लोग थे, बता देगा। हमारे गांव में सिर्फ एक डॉक्टर थे, या तो फिर चार पांच गांव में सिर्फ एक डॉक्टर है। उनके पास में भी बहुत समय है इलाज करने का, क्योंकि उतना लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग बीमार नहीं पड़ते थे। अभी देखिए, जाके गया में अच्छे डॉक्टर के पास आप जाना चाहेंगे तो सुबह जाना पड़ेगा। सुबह से लेकर के चार घंटा पांच घंटा बैठ के रहना पड़ेगा अपना टाइम निकालने तक। उतना ही लाइन लगा हुआ है। इधर सरकारी अस्पताल में या बोधगया का डॉक्टर लोगों के पास कितना मरीज पड़ा हुआ है, बीमार लोग भरा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हर जगह बीमार बढ़ गया। अभी एक आदमी कोई भी व्यक्ति ले लेंगे तो वो व्यक्ति जीवन बिताता है दवा की मदद से। दवा छोड़ दिया तो उनका जीवन दो तीन दिन में खत्म, एक दो सप्ताह में खत्म। उतना ही लोग बीमार पड़ गया। क्यों ऐसे होने के कारण दान होता बढ़ गया समाज में, इसलिए होता है। तो ऐसा गंदगी समाज में हम लोग कैसे जीवन बिताएंगे? बहुत मुश्किल। कहीं जाके काम नहीं करवा सकते, घुस देना पड़ेगा। बहुत जगह पे जाने के बाद झूठ नहीं बोल दिया, सत्य बोल दिया तो काम नहीं हो जाता है, और हत्या करना पड़ता है। मजबूरी में बहुत पाप करना पड़ा वर्तमान समाज के लोगों को। इसलिए आप लोगों को समाज में जीवन बिताना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप लोग याद रखिए, आप लोग समाज के अनुसार पाप करना शुरू किया तो आप लोग का जीवन खत्म हो जाएगा। जानवरों के साथ जानवर बन जाएगा, जैसे पेकाने के साथ पेकाना मिल गया जैसा हो जाएगा। कभी भी आप पवित्र पानी है तो आपका जीवन पवित्र पानी जैसा है तो उस पवित्र पानी में एक बूंदा पेकाना मत गिराइए। अगर एक भी बूंदा पेकाना गंदा पेशाब कुछ गिरा दिया तो वो पानी गंदा हो जाता है। एक बूंदा गंदा गिर गया तो फिर और थोड़ा गंदा गिर जाएगा। वैसे ही आपका मन अभी तथागत भगवान बुद्ध के ज्ञान के अनुसार पवित्र है। अभी आप लोभ क्रोध करने में डर लगते हैं, आपको ध्यान भी करते होंगे थोड़ा थोड़ा, ज्ञान सुन करके सहनशीलता में रहने के लिए कोशिश करते होंगे। लेकिन आप जगह दे दिया तो, मौका दिया तो गंदगी को मन में आने के लिए, गलत संगत में जाकर के पाप करना शुरू कर देंगे तो आपका जीवन फिर गंदा हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। पता नहीं ये आपका आखिरी दिन होगा, मेरा आखिरी दिन होगा, या तो फिर हम लोग एक सप्ताह और जिएंगे, या एक महीना, दो साल, तीन साल, पांच साल, पता नहीं कब तक जीवन बिताएंगे। अगर हम 60 साल तक जीवन बिताएंगे तब भी 60 साल जल्दी खत्म हो जाता है, तुरंत खत्म हो जाता है। वो 60 साल में हम लोग अपना मन को पवित्र करके सहनशीलता में गुणधर्म सुरक्षा करके रहने के लिए कोशिश करना चाहिए। उसके लिए आप लोग वार वार कल्याण मित्र से मिलकर, वार वार मतलब रोज नहीं, आप लोगों को तो रविवार संडे स्कूल और इधर मंदिरों में कल्याण मित्र से मिलते हैं, बहुत काफी है। ऐसा कल्याण मित्र संगत में रहना चाहिए, बार बार ज्ञान को सुनना चाहिए तथा अपना मन को पवित्र करके रहने के लिए ध्यान देना चाहिए।
कभी भी आप कल्याण मित्र से दूर हो गया तो बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। आप कल्याण मित्र साथ थे तो आपको मजाक भी कर सकता है, हंस भी सकता है। क्यों? तुरंत कल्याण मित्र याद दिलाता है गलत रास्ता पे जाएंगे तो। जहां कल्याण मित्र नहीं है वहां आपको कोई गलत रास्ता पे जाना शुरू हो गया तो कोई नहीं याद दिलाता है और सहायता करेगा संसार के लोग, और करो और झूठ बोलो और गाली दे दो और ऐसा गंदगी फिल्म वगैरह देखो, ऐसा करके समाज भी सहायता करेगा। इसके बाद पता नहीं चलता है हम लोगों का मन पतन होते पतन होते पतन होते पतन होते गिर जाता है। इसके बाद हम लोगों को इस जीवन में दुख से रहना पड़ेगा, मरने के बाद भी बहुत खतरा जन्म को पाना पड़ेगा, फिर हम लोग संसार में डूब जाएंगे। मरते मरते जन्म लेते लेते जाने वाले खतरनाक संसार में फिर गिर जाएंगे। इसलिए अब तक हम आपको जो कुछ ज्ञान बताया तो आप अभी से कोशिश करिए। हिरण कैसा रहता है? अहिंसक है। हिरण जैसा रहिए, अहिंसक बनिए, आने वाले सारे कष्ट पीड़ा को बर्दाश्त करिए। दुनिया कितना भी गाली देगा आप बर्दाश्त करिए, आपका जीवन बहुत सारे असाधारण हो जाएगा। उस असाधारणों के सामने आप उस असाधारण को बर्दाश्त करिए। आपको बहुत दुश्मन मिल जाएगा, सारे दुश्मन के प्रति मैत्री करिए। आपको अन्याय हो जाएगा, हर एक अन्याय के सामने आप मैत्री मन से, आप अहिंसक दिल से उस अन्याय को बर्दाश्त करिए। नहीं तो वर्तमान में हम लोगों को बचना मुश्किल हो जाता है। कुछ भी हो आप सीर सुरक्षा करने के लिए कोशिश कीजिए। दूसरों पर दया करिए, दूसरों का गलती को कभी मत देखिए। देखना है तो सारे लोगों का अच्छाई को देखिए। कभी भी बुराई देखने का नीच आदत किसी का दिल में मत रखिए। और आप सभी लोग तथागत भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा सुरक्षा करें। जब तक आपका दिल में भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा रहेगा तब तक आप सुरक्षा रहेगा। इधर आप 10 लोग ले लेंगे तो 10 लोग का हिम्मत 10 प्रकार का है। क्यों? श्रद्धा अलग अलग है। जिसके दिल में तथागत के प्रति ज्यादा श्रद्धा है वो ज्यादा प्रयास करता है धर्म के रास्ता पर रहने के लिए, सहन करने के लिए, मैत्री मन से रहने के लिए, पुण्य करने के लिए। जिसके पास कम श्रद्धा है वो लोग थोड़ा प्रयास करता है पाप से बच के पुण्य करते रहने के लिए, थोड़ा सा प्रयास करता है। जिसके पास थोड़ा सा श्रद्धा है उनका जीवन में थोड़ा सा अच्छाई है, जिसके पास ज्यादा श्रद्धा है उनके पास ज्यादा अच्छाई है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा सुरक्षा करना बहुत जरूरी सख्त जरूरत है। इसलिए आप सभी लोग ये पवित्र ज्ञान को समझकर वर्तमान खतरनाक समाज में, खतरनाक दुनिया में इस खतरे से बच के रहने के लिए कोशिश करिए। बचना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, नामुमकिन चीज मुमकिन कर सकता है। तो आप सभी लोगों को भी, हम आप सभी लोगों को ये गंदगी समाज में बिना गंदा होकर रहने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। इसके लिए एक उदाहरण बता देंगे, याद रखिए गंदगी पानी है पूरा भरा हुआ, कोई भी उस गंदगी पानी को छुएगा नहीं, गमकता है, टेकाना है, बदबू है, कोई छुएगा नहीं, मुंह बंद करके जाएगा। लेकिन उस गंदगी पानी के बीच में से एक कमल का फूल निकल जाता है, कमल का फूल खिल जाता है। खिलने के बाद उस कमल का फूल बहुत धमकता है, बहरा आता है, कोई भी किसी को भी तोड़ के दिया सभी लोग ले लेगा कमल का फूल, सुंदर है। वैसे ही है ये गंदगी समाज में करुणा मैत्री दयानुकंपा इत्यादि गुणधर्म के साथ रहेंगे तो आप कमल का फूल जैसा है, समाज लल्लिकादो जैसा है तो
आपको कमल का फूल जैसा बन सकता है। इसलिए दुनिया कुछ भी कहेगा, कुछ भी करेगा, वो आपको कोई लेन देन मत रखिए। आप अपने रास्ते पे जाने के लिए कोशिश करिए तो आप सभी लोगों को तथागत भगवान बुद्ध के पवित्र रास्ता पे जा करके सबको उत्तम शांति को पाने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।